हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज बनाते हैं बहुत ही कम ऑयल में जल्दी से बनकर तैयार हो जाने वाला नाश्ता, चीज़ का चिला, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए बनाते हैं चीज़ का चिला। चीज़ का चिला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप बेसन, और इस 1 कप बेसन में हम पानी को थोड़ा थोड़ा डालकर इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। पानी को आपको एकदम नहीं डालना है क्योंकि इसमें लम्स पड़ जाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आप इसे घोल को तैयार कर लीजिए। ये देखिए, बेसन का घोल तैयार हो गया है, इसे इतना थिक होना चाहिए। बेसन को यहाँ पर आप 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए ताकि ये अच्छे से फूल जाएगा और फिर हमारे चिले बहुत बढ़िया बनेंगे। 10 मिनट हो गया है और ये बेसन बहुत अच्छे से फूल चुका है, और इसमें हम मसाले ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर का, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा चिले में। और इसके साथ हम इसमें ऐड कर देंगे स्वाद के अनुसार नमक, 1/2 चम्मच इसमें आप ऐड कर दीजिए अजवाइन एक बढ़िया खुशबू और स्वाद के लिए, 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देंगे, साथ ही डालेंगे यहाँ पर बारीक कटा हुआ 1 प्याज। यहाँ पर प्याज एकदम बारीक कटा होना चाहिए ताकि चीले बनाने में हमें परेशानी ना हो। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अगर आपको यहाँ पर लगता है कि बेटर हमारा थोड़ा सा थिक हो गया है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा था इसलिए मैंने पानी थोड़ा सा और ऐड कर दिया है, और ये देखिए हमारा जो बैटर है ये चीला बनाने के लिए एकदम तैयार है। गैस पे तवा रखिए और तवे को थोड़ा गर्म होने देंगे। यहाँ पर मैंने नॉर्मल तवा रखा है जिस पे रोटी बनाते हैं, कोई नॉन स्टिक तवा नहीं है, और यहाँ पर ऑयल की कुछ बूंदें डालकर इसे इस तरीके से तवे पर फैला देंगे। ध्यान रखिए यहाँ पर तवा ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही ठंडा। लगभग 2 चम्मच के करीब यहाँ पर हम इसे भरकर बैटर को डालेंगे और इसे इस तरीके से करछी की सहायता से चारों ओर घुमाते हुए गोल गोल शेप दे देंगे। ध्यान रखिएगा तवा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको फैलाने में परेशानी होगी और आपका जो बैटर है वो चम्मच में चिपक जाएगा। इस तरीके से मैंने पूरे तवे पर इसे फैला दिया है और इसे अब हम एक साइड से सिकने देंगे, और जब ये एक साइड से हल्का सा सीख जाएगा तो हम इसमें चारों तरफ थोड़ा थोड़ा चम्मच की सहायता से ऑयल डालेंगे ताकि जो इसके किनारे हैं वो अच्छे से निकल सकें। साथ ही कुछ ऑयल की बूंदें हम ऊपर भी डालेंगे क्योंकि हमें इसे पलटना है, तो ऊपर भी हम ऑयल डाल देंगे और इसे एक कोची की सहायता से हम इसे इक्वली चारों तरफ से साइड के किनारों को निकालते हुए टर्न करेंगे। ये देखिए चारों तरफ से हम छुड़ाते हुए इसे निकालेंगे, कितनी आसानी से ये आराम से निकल रहा है, कोई भी परेशानी नहीं होती, किसी नॉन स्टिक तवे की आपको यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। और इसे टर्न करके हम दूसरी साइड से भी सेक लेंगे, और इस पर अब हम डालेंगे चीज़। तो यहाँ पर मैं मोजरेला चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो जो क्यूब वाले चीज़ आते हैं उसे ग्रेट करके भी यहाँ पर डाल सकते हैं। चीज़ को चारों तरफ अच्छे से आप पूरा फैला देंगे और इसे अच्छे से यहाँ पर मेल्ट होने के लिए हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। तो लीजिए, हमारा गर्मा गर्म चीज़ चिला बनकर तैयार है। इसे आप कोल्ड कीजिए और गर्मा गर्म सॉस के साथ में इसे आप सर्व कीजिए।